ये 20 टन की फराना है, इसमें पंप जो है लगता है घिस गया है, तो रेस देने के बाद बूम उठता, बिना एक्सीलेटर का करो, बिना एक्सीलेटर का उठाओ, ये बहुत स्लो चलता है और रेस देने पे थोड़ा काम करता है। रेस दो, रेस दो, एक्सीलेटर दो, ये एक्सीलेटर देने पे थोड़ा काम करता है और एक्सीलेटर, एक्सीलेटर छोड़ो, एकदम स्लो उठता भी है, स्लो चलता भी है, ऊपर भी स्लो जाता है, बूम भी बाहर निकलता है वो बहुत स्लो निकलता है। तो इसका पंप खोल के चेक करना है, उसके बाद पंप में क्या हुआ है वो देखने के बाद डिसीजन लेंगे, रिपेयरिंग करना है या बदली करना है। ये पीछे जो कवर लगा है ये यहाँ पे फिटिंग रहता है, उसको खोलने के बाद जो है ये पंप दिखाई दे रहा है। अब पंप ये सिंगल सेक्शन का है, पूरे गाड़ी में जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम है वो इसी पंप पे चल रहा है, यहाँ से ऑयल आता है और ये इंजन के आगे जो प्रोपलर शाफ्ट लगा हुआ है उसको इसको घुमाता है, घुमाने के बाद ये प्रेशर बना के और कंट्रोल वाल में भेजता है, वहाँ कंट्रोल वाल से जिसको प्रेशर हम देंगे लीवर के थ्रू वो यूनिट काम करेगा। अब ये यहाँ से ऑयल तो है, टंकी में ऑयल है, ऑयल का प्रेशर बन रहा है, कम बन रहा है, ऑयल रिटर्न भी जा रहा है टंकी में, वो स्टार्ट करने के बाद जब कोई भी काम करेंगे तो टंकी के ऊपर बुलबुला दिखता है, मतलब ऑयल जैसे पानी में हाथ डाल के हिलाते हैं ऐसा ऑयल का कंडीशन होने लगता है, मतलब ऑयल यहाँ से आ रहा है, ऑयल यहाँ पे घूम रहा है, प्रेशर बन रहा है, जा रहा है, काम हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है। तो पंप चेक करना है हमको, तो यहाँ से ये कनेक्शन निकाल लेंगे और ये प्रेशर का कनेक्शन भी निकाल लेंगे और आगे से जॉइंट खोलने के बाद ये प्रोपलर शाफ्ट दिखाई दे रहा है, इसको खोलने के बाद जो है ये पंप बाहर निकालेंगे और इसको छुट्टा करेंगे, तब साथ में वीडियो भी बनाएंगे इसका। ये हाइड्रोलिक का पंप हमने खोल लिया है और ये गाड़ी में इस तरह से फिटिंग रहता है, ये बड़ा जो होल है ये सेक्शन ऑयल इनलेट का है, बड़ा है, और प्रेशर का जो सेक्शन है वो छोटा है, बड़े के मुकाबले आधा है, तो यहाँ से प्रेशर बन के निकलता है। तो कभी भी पंप फिटिंग करें तो ये छोटा होल प्रेशर आउटपुट है, पंप का प्रेशर का आउटपुट है, और ये बड़ा होल है पंप का इनलेट है, और ये पीछे से ये वाल खुल जाएगा, इसका जो है ये एलंकी निकालने के बाद ये फ्लेंज निकाल देना है, उसके बाद ये सेक्शन खोलेंगे तो ये गियर और ये सब निकल जाएगा, इसको खोल के देखते हैं। ये हाइड्रोलिक पंप, ये मेन हाइड्रोलिक पंप है, इसी से स्टेयरिंग और जेक के जितने सिलेंडर हैं वो सारे के सारे इसी से चलते हैं, और ये गियर टाइप में है, ये अच्छा प्रेशर बनाता है, आइडल पे भी एक लगातार एक सीधी लाइन में प्रेशर बनाता है, और प्लंजर वाला रुक रुक के प्रेशर बनाता है, तो उसमें वाइब्रेशन आता है और काम एक्यूरेट नहीं होता है। और ये एरो दिया हुआ है, इनलेट का एरो दिया हुआ है, और ये जो बड़ा होल है वो इनलेट के एरो की तरफ है, और ये इसको हमने खोल लिया है, ये देखिए ये सील टूटा हुआ है, हमने ऑयल निकाला था तो नीचे से बूझ खोल के, तो उसमें ये सील का छोटा छोटा काला पीस मिला था रबड़ का, तो वो किसी चीज़ का होगा ऐसा, तो अभी ये पंप का ही है वो, ये थोड़ा वो ज़्यादा बेंड और टुकड़े में छोटा था इसलिए दिखता नहीं था, ये सील यहाँ तक है पूरी, ये सेक्शन यहाँ तक पूरा आता है, ये इतना दूर से ये टुकड़ा ये टूट चुका है। ये एलंकी खोल लेंगे तो आगे से ये फ्लेंज को ऐसा हैमरिंग करके निकाल लेना है, मतलब हथौड़ी से मारेंगे तो वो निकल जाएगा, ये लॉक रहता है एलंकी, ये साफ्टिंग को फ्लेंज के ऊपर ये लॉक है, ये यहाँ पे ये फ्लेंज जो है ये साफ्टिंग के ऊपर फिटिंग है, और यहाँ से की लगा है चाबी, ये चाबी में से घूमे नहीं तो उसको ज़्यादा टाइट करने के लिए ये बोल्ट दिया रहता है। ये हमने ये एलंकी का लॉक खोल दिया है, अब इसको थोड़ा सा ठोकने के बाद हल्का दबाएंगे, पंप पकड़ा, हल्का इसको दबाएंगे तो ये बाहर आएगा इस तरह से, ये इसको हैमरिंग करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और इसको बाहर लेने के बाद वो गियर निकल सकता है आराम से। बस अब ये खुल गया, फ्लेंज निकल गया है, अब ये इस एलंकी सारे खोल लेंगे तो ये पंप पीछे का सेक्शन तो हमने खोल ही दिया है,
आगे का सेक्शन खुलेगा और ये सब बाहर निकल जाएगा, ये शाफ्टिंग के साथ ये दोनों गियर। और यहाँ पे भी ऐसा ये किट का हाउसिंग जो दिखाई दे रहा है ये ब्रेक हो चुका है, ये टूटा हुआ है। ऐसा एक हाउसिंग आगे भी है और वहाँ पे भी किट लगता है आगे की तरफ, ताकि लीकेज ना हो, प्रेशर अच्छा बनाए। ये 8 mm की एलंकी से सभी बोल्टों को ऐसे हथौड़ी मार के ढीला कर लेना है, उसके बाद खोलेंगे। लेकिन कभी भी ढीला करने के बाद जब खोलें तो किसी भी एक सेक्शन में, यहाँ हमने पीछे वाले केप को जो है ऐसा निशान मार दिया है, ताकि यहाँ वहाँ मिक्स ना हो। पीछे हमने एक निशान मारा हुआ है, एक यहाँ पे मारा हुआ है, ये देखिए, एक यहाँ यहाँ मार दिया पीछे का, सेम जगह पे लगेगा वो, उसका फेस सही रहेगा। और ऐसा ही निशान यहाँ पे भी मार देंगे। निशान मारने के बाद क्या है, सेक्शन चेंज नहीं होता है, जगह उसकी सेम की सेम लगेगी। ये सभी बोल्ट खुल गए हैं, अब इनको बोल्ट को सबको निकाल लेना है, उसके बाद ये केप को उठाएंगे तो हाउसिंग बाहर निकल आएगी और उसके गियर भी साथ में बाहर निकल आएंगे। नीचे पकड़ बाबू, नीचे का पकड़ के रख के। ये आगे का मेन प्लेट निकल गया है, और ये मेन प्लेट निकलने के बाद जो है इस पर तो हमने निशान मार लिया है कहाँ फिटिंग करना है उसको। अब ये गियर का सेक्शन निकालना है, ये देखिए, ये ड्राइव गियर है, ये शाफ्टिंग में जो लगता है वो ड्राइव गियर है, और ये दूसरा जो गियर है वो ड्रीवन है, ये चलाता है, ये उसके साथ में चलता है। और ये बड़े होल से ऑयल जाता है और ये ड्राइव गियर घुमाता है, ये दोनों गियर के बीच में से ऑयल वो दूसरी तरफ से प्रेशर बन के निकल जाता है। ये इसका हाउसिंग है, ये ऑयल जाने का इनलेट का सेक्शन है, इनलेट में से ऑयल जाता है, और ये इंजन जो है वो इंजन के साथ जो प्रोपेलर शाफ्ट लगा है वो फ्लेंज के थ्रू ये इस तरह से यहाँ पे घूमता है, ऐसे घूमेगा, ये फ्लेंज यहाँ लगेगा, यहाँ फिटिंग रहता है, और ये ऐसा घूमेगा, इधर से ऑयल प्रेशर बन के ये प्रेशर सेक्शन से बाहर निकलेगा। पंप छुट्टा हो गया है, ये ड्राइव गियर, ड्रीवन गियर, और ये ऊपर नीचे का दोनों हाउसिंग का सेक्शन निकल गया। अब ये इसका किट जो फटा है उसका, ये हाउसिंग, ये इसका जो किट फटा था, हम ये दूसरा डाल लेंगे, किट मंगा लेंगे। इस पंप का सामान नहीं मिला है, और हमने सेम टाइप का पंप नया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं मिला। इसी डिजाइन से मिलता जुलता रोटरी टाइप का पंप मिला है, ये गियर पंप है, ये इस तरह से गियर से ऑयल का प्रेशर बनाता है, और वो रोटर ब्लेड से जो ऑयल का प्रेशर बनाता है उस टाइप का पंप मिला है। थोड़ा सा डिजाइन में फ़र्क है, लेकिन फिटिंग हो जाएगा, तो अब हम वो पंप पूरा असेंबली पंप चेंज करेंगे। ये नया वाला पंप आ गया है, ये वेलजान कंपनी का है, ये देखिए, वेलजान मेड बाय वेलजान डेनिसन लिमिटेड। ये इसके अंदर पहले जो पंप पुराना वाला लगा था वो गियर टाइप था, उसमें दो गियर थे और वो प्रेशर बनाते थे, और ये जो है इसका थोड़ा सिस्टम अलग है, इसमें रोटर ब्लेड है। ये आवाज़ कर रहा है, ये रोटर के जो ब्लेड हैं वो अंदर बाहर हो रहे हैं, उसका आवाज़ आ रहा है इसमें। ये रोटर टाइप का है, ये दोनों ही पंप सक्सेस माने जाते हैं, रोटर और गियर। गियर में स्पेयर पार्ट कम आता है, जो बिगड़ता कम है, और अगर उसमें कुछ कचरा चला गया तो उसको काट के पीस के आगे भेज देगा। और ये क्या है, ये रोटर वाला भी काम सेम ही करता है, लेकिन अगर इसमें कचरा चला जाता है तो वो उसके ब्लेड अंदर जाने के बाद, अंदर बाहर होते रहते हैं, आयल लेके ढकेलते हैं, अंदर घुसने के बाद जो है उसके ब्लेड जाम हो जाते हैं, और वो ब्लेड जाम होने के बाद बाहर नहीं निकलते हैं, ऑयल ले नहीं पाते हैं, और फिर आगे जाके ढकेल नहीं पाता। तो इसमें थोड़ा सा फिल्टर और ऑयल का जो सफाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। काम सेम आइडल गियर पे या चाल पे अच्छी तरह से दोनों ही काम करते हैं। इसमें थोड़ा स्पेयर पार्ट ज़्यादा आता है, मतलब ये थोड़ा हाईटेक है,
हाईटेक है तो बिगड़ने में भी थोड़ा जल्दी खराब होगा। और वो मैकेनिकल गियर जो आता है वो समझ लो कि एकदम जैसे गन्ने का रस पीसने का मशीन आता है, एक तरफ से गन्ना डालो दूसरे तरफ से गन्ना पीस के निकल जाता है, उसी तरह वो गियर वाले में एक तरफ से ऑयल जाता है, ऑयल दब के दूसरी तरफ से निकल जाता है। वो सादा सिस्टम है और वो बहुत ज़्यादा ही कारगर है, इससे भी अच्छा कारगर होता है वो मेंटेनेंस के हिसाब से। अब इसको हमने असेंबल कर दिया है, ये पुराना वाला पुल्ली यहाँ लगा दिया है और ये दूसरी तरफ ये आउटपुट प्रेशर का एडेप्टर लगा दिया है, और ये वाला जो एडेप्टर है ये ऑयल इनलेट का वो यहाँ पाइप में है। अब इसको पंप फिटिंग करेंगे यहाँ पे। ये पहले जो गियर वाला था वो इधर इधर फिटिंग था, अब हमको इसको इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, ऊपर नीचे बोल्ट लगेगा, तो ऐसा करके हम इसको फिटिंग करेंगे। ये पंप फिटिंग का काम हो गया है। पंप फिटिंग करने के बाद हमने ऑयल डाल दिया है और ऑयल का टैंक हमने पहले साफ किया था। इसको गाड़ी बंद करो। ऑयल का टैंक यहाँ से ऑयल डाला है, लेकिन ये ढक्कन खोलने के बाद नीचे से सारा ऑयल निकाल के टैंक को हमने साफ कर दिया है। टैंक के अंदर जो है इनलेट के सेक्शन में एक जाली का फिल्टर आता है, वो रिप्लेसमेंट नहीं होता, वो साफ करना रहता है। एयर मार के साफ हो गया है और ये टैंक नीचे का जो तह होता है उसको पूरा कपड़े से साफ करने के बाद और फिर ऑयल को छान के हमने डाल दिया है। और ये पंप फिटिंग होने के बाद जब ऑयल डालते हैं तो ऑयल डालने के बाद ये पंप है ना, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कभी भी ये पंप का जो इनलेट सेक्शन होता है उसके अंदर हवा रहती है, तो हवा निकालने के लिए ये आउटलेट का जो पाइप है उसके ऊपर 19 नंबर का बेंच बोल्ट दिया हुआ है, उसको खोल लेंगे और वो सू करके हवा वहाँ से निकल जाएगी। फिर जब यहाँ ऑयल आ जाएगा तो टाइट कर देना है। ये हमने एयर निकाल दिया है अभी, अब इसको स्टार्ट करने का है और चेक करना है। स्टार्ट करो। एक्सीलेटर मत पकड़ना, सिर्फ ऐसे ही काम करो, जो काम है वो अपना स्पीड में होना चाहिए काम, वो देखना है। चलो ये बूम उठाने का काम चालू है आइडल स्पीड पे। ये जो पहले रेस करने के बाद भी जितना नहीं उठता था उससे ज़्यादा पंप रिप्लेसमेंट करने के बाद ये आइडल स्पीड पे उठ रहा है। और इसके अंदर गियर टाइप पंप था, वो हमने अभी रोटरी गियर टाइप नहीं मिला, बहुत पुराना मॉडल है वो, तो ये रोटरी वाला मिला है और ये आइडल पे उठ रहा है। डाउन करो। ये बूम गिराने का भी काम सही से हो रहा है, थोड़ा बूम बाहर निकालो। ये बूम अब अच्छी स्पीड में आइडल पे चल रहा है, एक्सीलेटर ऑपरेटर ने एक्सीलेटर नहीं दबाया है फिर भी ये चल रहा है। ये इस तरह से इतना स्पीड में होना चाहिए। अब ये अगर रेस करेगा तो और ज़्यादा ऑयल का प्रेशर होगा। थोड़ा रेस करो। अब ये इसका स्पीड और बढ़ जाएगा, ये इस तरह से। हाँ जाने दो, थोड़ा रेस करो, देखें स्पीड बढ़ता। रेस करो। हाँ सही है। बूम गिराओ, बूम डाउन करो। ये आइडल स्पीड पे डाउन हो रहा और ये सही है, लगभग 99% सही काम कर रहा। और इसमें हल्का लीकेज भी होगा कहीं इंटरनल कोई भी जेक में या सेक्शन में, 100% नहीं बोल सकते, कभी भी 100% नहीं होता। और ये ठीक है, अब जाने के लिए गाड़ी तैयार है।